हेलो एवरीवन। देखिए अब डेफिनेशन ऑफ वन टेस्ला करते हैं। देखो जहाँ भी कहीं ये वन वन आ जाता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और टेस्ला पता होना चाहिए किसका यूनिट है, ठीक है। तो टेस्ला यूनिट होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला कोई आया है हमारे पास, देखो कौन सा फॉर्मूला आया है। अभी आपने पीछे एक वीडियो में फोर्स की वैल्यू निकाली थी, फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, वो क्या निकाला था बताना ज़रा। एफ इज इक्वल टू में निकाला था आपने क्यू बी वी साइन थीटा, ये फॉर्मूला निकला था। यहाँ से B की वैल्यू निकालना जरा, B की वैल्यू क्या आएगी, देखो F इधर ही रहने दिया, Q इधर चला गया और V भी नीचे चला गया और ये साइन थीटा भी नीचे चला गया, ठीक है। तो ये जो B की वैल्यू है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, B इज इक्वल टू में F क्यू वी साइन थीटा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता रखा है जब भी वन का कुछ भी आपको निकालना है, ठीक है, तो सारी वैल्यूज वन वन रख दो, समझ लो उसी से निकल जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता था टेस्ला यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो हमने B की वैल्यू निकाल दी, B का ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अभी कहीं होगा ना, एक परेशानी आ रही होगी, ठीक है, कहीं कह रहे होंगे कि F इज इक्वल टू में BIL भी एक फॉर्मूला था जहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन भी निकाल दी थी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है, ये आगे आएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़ ना होना, ये भी बता दूंगा कैसे आता है, ठीक है। इसी तरीके से निकलता है, वैसे कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूं कि कैसे निकलता है, तो देखो चलो बता ही देता हूं। देखो F इज इक्वल टू में क्या होता है, ये क्यू बी वी साइन थीटा, ठीक है, और इसको ऐसे लिख दो, देखो क्यू बी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताना ज़रा। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ हो गई, ठीक है, तो लेंथ अपॉन में टाइम, ठीक, और ये हो गया साइन थीटा, इसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो ये क्यू बाई टी, क्यू बाई टी क्या होता है बताओ ना जरा, क्यू बाई टी पता है किसी को क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम करंट होता है। तो क्यू बाई टी को मैं आई रख दूँ, ये बी रख दूँ और ये एल और ये साइन थीटा, क्या समझ में आया। करंट की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन में टाइम, समझ में आया। एफ इजिकल टू में कैसे आया ये, तो वहाँ हमने बी आई एल ही लिया था क्योंकि डायमेंशन में इस साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो वहाँ से हमने बी की वैल्यू ली थी एफ अपॉन में आई एल और फिर हमने डायमेंशन निकाले थे बी के। अगर कोई शुरू से देख रहा है ये चैप्टर तो उसको समझ में आई होगी बात जो ये मैंने कही है, शुरू में फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में थी ये बात, ठीक है ना, आ रही है चीज़ें समझ में, ठीक है। और यहाँ जैसे साइन थीटा, साइन अगर 90 हो, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो 1 भी आप वैल्यू समझ सकते हो। लेकिन हाँ, साइन थीटा हमने वहाँ क्यों नहीं लिया था, सिर्फ ये लिया था हमने एफ इज इक्वल टू बी आई एल, क्योंकि इसके कोई डायमेंशन नहीं होते साइन थीटा के, ठीक है ना, इस वजह से सिर्फ ये वैल्यू ली थी और हमें वहाँ डायमेंशन चाहिए थी, इस वजह से ऐसा किया था, समझ रहे हो कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से ही निकलती है वो वैल्यू भी, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम ये कर रहे हैं वन टेस्ला की डेफिनेशन इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, उसी से ये बना है, तो कोई कन्फ्यूज़न ना रखना माइंड में, ठीक। तो देखो अब जब मैंने कहा आपको कि वन टेस्ला को डिफाइन करना है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला जो अभी अभी फोर्स निकाली थी हमने उसकी हेल्प से, ठीक है। तो क्या मैं इसको बी को वन टेस्ला यहाँ रख दूँ, ऐसे देखो वन टेस्ला बी की वैल्यू, ठीक है, वन टेस्ला ही क्योंकि निकालना है। तो ये वन टेस्ला कब आएगा, जब ये सारी वैल्यू वन होगी, तो एफ कितना, वन न्यूटन का होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो वैल्यू कितनी, वन न्यूटन। चार्ज कितना होता है कूलम में, तो वन कूलम हो गया नीचे। और वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में, तो वन मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख दिया। और साइन थीटा ये वन कब होगा, जो अभी अभी बताया मैंने आपको, साइन 90 पे वन होता है, कितने पे होता है, साइन 90 पे, तो इसको हम साइन 90 यहाँ रख सकते हैं, साइन 90 इस पे वैल्यू इसकी वन रहेगी, तो सब कुछ ही वन हो गया, तो वन टेस्ला ही आना है, समझ रहे हो। और देखो ये जो डेफिनेशंस होती हैं वन टेस्ला की, ठीक है, जैसे फॉर्मूला कोई भी है आपके पास, ठीक है, जैसे ये है, तो यहाँ से भी आप बना सकते थे, ठीक है ना, वन टेस्ला की डेफिनेशन आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, वन 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 वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये तो चीज़ मैंने आपको बता दी कि ऐसे ऐसे ही आएगा ये वन टेस्ला, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि वन टेस्ला हम कब कह सकते हैं, जब फोर्स लगे वन न्यूटन की, किस पर लगे वन न्यूटन की फोर्स, चार्ज पर, और चार्ज कितना हो, वन कूलम का चार्ज हो, और जिसकी वेलोसिटी कितनी हो, वन मीटर पर सेकंड की हो, और उसको आपने थ्रो कितने डिग्री पे किया हो, 90 डिग्री पे किया हो, यही तो मतलब हुआ, समझ रहे हो। तो 90 डिग्री पे मतलब क्या, साइन 91 होता है, इस वजह से कह रहे हैं कि 90 डिग्री पे थ्रो किया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वन टेस्ला हम कह सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिख रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेट टू बी ऑफ वन टेस्ला इफ अ फोर्स ऑफ कितनी हो, वन न्यूटन की लगी उस पर, एक्ट्स ऑन अ चार्ज ऑफ वन कूलम, किस पे लगी, चार्ज पर लगी वन कूलम के, विद वेलोसिटी वन मीटर पर सेकंड, एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो। तो ये सब कंडीशंस अगर आ रही होंगी तो आपने समझ जाना कि मैग्नेटिक फील्ड कितना रहा होगा, वन टेस्ला रहा होगा।
ठीक है, देखो इस चीज़ को आप ऐसे समझो जैसे ये फॉर्मूला था, ठीक है, इस फॉर्मूले को जो हमने ड्राइव किया था फोर्स वाले टॉपिक में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या डायग्राम बनाया था उस डायग्राम से समझो। देखो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया था हमने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरीके से ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो हमने वहाँ पर तो ऐसे थ्रो किया था किसी एंगल थीटा पे, तो अब हमें कितने डिग्री पे थ्रो करना है उसे, 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना कैसे बनेगा एंगल, इस तरीके से थ्रो किया अगर हमने, समझ रहे हो, 1 कूलम का चार्ज है और वेलोसिटी कितनी दे दी हमने, 1 मीटर पर सेकेंड की दे दी इस तरफ, और फोर्स कितनी लग रही है, 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस पर, समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कितना होगा, 1 टेस्ला होगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये देखो ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और थ्रो किया इसको हमने 90 डिग्री में, इस तरीके से आप समझ सकते हो, समझ रहे हो, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझना चाहते हो, ठीक है। 1 कूलम का चार्ज था, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने थ्रो किया, कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, जिस पे लगी 1 न्यूटन की फोर्स, और ये सब ऐसा क्यों हुआ होगा कि 1 न्यूटन की फोर्स क्यों लगी होगी अब, क्योंकि ये सब 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कितना रहा होगा, 1 टेस्ला रहा होगा, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है, समझ में आई, बहुत ही सिंपल सी बात थी वैसे तो, इतनी कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है, तो इसको भी आपने दिमाग में रखना है अपने, ठीक है, ओके जी, थैंक यू।